हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कहिए कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस और आज दिन है संडे का, सुबह सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पे मैं प्रेस करने में लगी हुई थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, 2-3 दिन से प्रेस नहीं कर रखी थी, तो थोड़ी सी लाइट में दिक्कत चल रही थी। हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्म जला हुआ था और ये केबल वगैरह चेंज कर रहे थे, तो फिर लाइट कम ही आती थी, तो इस कारण से काफ़ी सारा ढेर लगा हुआ था कपड़ों का। तो आज सुबह सुबह ही ये पहले यही काम निपटा लेती हूँ, बाकी को और काम तो सारा दिन चलते ही रहेंगे ऐसे ही। अब दिन भी थोड़े छोटे होने लगे हैं, मतलब कि बड़े बड़े दिन नहीं रहे हैं, दिन रात बराबर होने लगे हैं, तो फिर दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अब यहाँ पे बस हो चुकी है, कंप्लीट कर ली है प्रेस, सारे कपड़े हो चुके हैं, तो फिर अब मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने पीने के लिए, तो वही तैयारी करूँगी। इसके बाद बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो फिर 9 बजे उनकी क्लास शुरू हो जाएगी, एग्ज़ाम देने हैं उनको, तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं अभी तो, स्कूल भी नहीं खुले हुए हैं क्योंकि दिल्ली में हैं, खुले थे एक बार बीच में, मगर एग्ज़ाम तो फिर वे ऑनलाइन ही ले रहे हैं। हेलो जी, नमस्ते, कहिए कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। तो अभी प्रेस करने के बाद मैं आई हूँ, एक कप अदरक की चाय बनाकर पीती हूँ पहले, और उसके बाद में करूँगी बाकी के काम, क्योंकि गला हो रखा है थोड़ा भारी भारी सा, सर्दी जुकाम हो रखा है, खांसी जुकाम कई दिन से ऐसा ही चल रहा है, तो मौसम चेंज हो रहा है तो एक बार तो ये दिक्कत आती है सभी को। तो यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय, तो चाय पीने के बाद फिर कुछ खाने पीने की तैयारी करूँगी। और ढेर सारा लगा हुआ था प्रेस वाले कपड़े, कल भी धोए थे कपड़े और कई दिन पहले के भी हो रखे थे, कई दिन से हमारी लाइट कर रही है परेशान, तो अभी आई हुई थी इस टाइम पर, तो कर दिए हैं कि जो काम निपट जाए वही अच्छा है, तो प्रेस कर लिए। हेलो जी, अभी शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और अब शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि गांव में जल्दी खा लेते हैं खाना, 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, 7:30 और 8 के बीच में हम खाना पीना कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे रखा हुआ है दूध, बॉईल करके रख दिया है, और ये ली थी सब्जी, अभी धो के रख लेती हूँ, इसमें तोरी की सब्जी बनाऊंगी अभी मैं, तो ये निकाल लेती हूँ तोरी की सब्जी। और ये तोड़ रखी है सेवनिया हाथ से, जो है बोलते हैं हम इनको, तो ये है रवे सूजी और मैदे की, तो ये बनाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि सभी को हो चुकी है खांसी और जुकाम, तो उसके लिए ये हमारा देसी नुस्खा है, हम थोड़ी सी ये भून कर देसी घी में और दूध में डालकर उबाल लेते हैं और फिर सोने से पहले खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी गर्म गर्म खा के और सो जाते हैं और सुबह तक बिल्कुल फिट उठते हैं, तो आज ये ट्राई करने वाले हैं। तो अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी, और बर्तन वगैरह भी काफ़ी सारे हो चुके हैं इकट्ठे, तो बर्तन भी साफ कर लेती हूँ और साथ के साथ दूध बॉइल होना रख देती हूँ। तो यहाँ पे रख दिया है दूध उबलने के लिए, क्योंकि जो जोई बनानी है सेवइयाँ, उसके लिए फिर गरम गरम दूध ही डाल दूँगी उसके अंदर, पहले ही उबाल कर रख देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं ये तोरी छील कर और कट कर लेती हूँ, तो जितनी बनानी है उतनी निकाल ली है सेवइयाँ और बाकी की रख दी एक साइड में। तो अभी तोरी छील कर और ये 2 प्याज 2 टमाटर कट कर लूँगी और 3 से 4 हरी मिर्ची, वो भी चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे साथ के साथ दूध भी उबल रहा है और काफ़ी सारे बर्तनों का ढेर हो चुका है, तो साथ के साथ फिर वो भी साफ़ करनी है बर्तन, ये सब्जी वब्जी बना के जो भी बर्तन इकट्ठे होंगे सारे कर देते हैं, फिर बाद में खाना खाते हैं तो फिर बस वही खाने के ही बर्तन रह जाते हैं।
सब्जी बनाने के बाद साथ के साथ मैं कुकर को भी खाली कर लेती हूँ। जो ये बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे आटा लगाया परात के अंदर, तो वो खाली कर लेती हूँ। सब्जी बनाई कुकर में तो वो खाली कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी छोक दी है, इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने के बाद उसमें प्याज थोड़े से सुनहरे कर लिए, फिर उसमें डाल दिया है हरी मिर्च और टमाटर का वो पेस्ट बना रखा था चोपर में, वो डालकर और अब बंद करके रख दी है। उसमें 2 सीटी लगेंगी, तब तक मैं ये यहाँ पे जो और भी सब्जी थी, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, वो धो के रख दी है। यहाँ पे सब्जी भी अब तैयार हो जाएगी। बस दूध तो बॉयल हो चुका है और यहाँ बर्तन कर लेती हूँ, और वो करने के बाद फिर मैं जो सेवइयाँ हैं उनको थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल के, 1 छोटी चम्मच के करीब देसी घी डालकर उन्हें अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे अब मैं भूनने में लग गई थी सेवइयाँ जो जोए हैं, तो थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल रखा है और हल्की हल्की सी इसमें स्मेल सी आने लगेगी, खुशबू जैसे हलवा बनाते हैं उस टाइम पे आती है, तो थोड़ी वैसी आने लगेगी। फिर इसमें थोड़ी सी हल्की सी सुनहरी होते ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी इसी में कढ़ाई में ही दूध, और बस दूध डालने के बाद फिर इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी। अगर ड्राई फ्रूट चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ बस दूध ही डालती हूँ और कुछ नहीं डालूँगी, ड्राई फ्रूट वगैरह। चीनी डाल दूँगी अब साथ के साथ में ही, और बस हमारी ये रेडी हो जाती है 10 मिनट में ही, क्योंकि वो भून रखी थी और दूध भी उबाल रखा था। देखिए गाढ़ी होकर एकदम टेस्टी टेस्टी बन गई है। तो बस सेवैया भी रेडी हो चुकी है, अब सब्जी भी रेडी हो गई है, और बस यहाँ पे अब रोटियाँ बनानी बाकी है, तो रोटी भी बना देती हूँ। हाँ जी, तो अभी खाना पीना खाकर बस फ्री हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एकदम आवाज़ निकल भी नहीं रही है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सर्दी जुकाम हो रखा है, वो ठीक हो जाएगा, गला भी ठीक हो जाएगा, आज तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।